रेस्टिंग फेज। क्लियर। इन दिस फेज व्हाट विल हैपन, इन द सोडियम पोटेशियम पंप थ्री सोडियम विल गोज आउट, थ्री सोडियम विल पोटेशियम, यस सर, थ्री सोडियम गोज, थ्री सोडियम गोज आउट एंड टू पोटेशियम कम्स इन। सो नेट चार्ज बाहर क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? अगर इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में समझें, कुछ इस तरीके से था आपके पास क्या, ये दो पोटेशियम अंदर आने के लिए था क्या, और ये था आपके पास क्या, ये मैं क्यों बनाया, हाँ ये क्या था आपके पास, तीन सोडियम बाहर जाने के लिए। तो बाहर क्या होगा, नेट, अरे बाहर क्या होगा, हेलो, पॉजिटिव होगा, नेट हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर। फिर बीच में उसके क्या होगा, मेम्ब्रेन्स का पार्ट्स वगैरह होंगे क्या, अरे होंगे कि नहीं, हेलो, कैसा होगा? फिर कुछ इसी तरीके से जो ये वाला पार्ट है क्या, मेम्ब्रेन है ना, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, मेम्ब्रेन है। कुछ इस तरीके से हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सब क्या है, आयन चैनल्स है। ये क्या है, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे सोडियम अंदर आएगा और इससे पोटेशियम बाहर जाएगा, और ये वाला आपका क्या होगा, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, मतलब जो डिफ्यूजन करेगा, यस और नो? एंड दीज आर वोल्टेज गेटेड चैनल, जो किसी पार्टिकुलर वोल्टेज के थ्रू ये खुलते हैं और क्लोज होते हैं। क्लियर, वोल्टेज गेटेड चैनल। एन ए प्लस के प्लस हमेशा ओपन होता है क्या? क्या 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 बोला, एन ए प्लस के प्लस कब ओपन होता है? अच्छा, मतलब इतने समय क्या रामायण पढ़ रहा था क्या, वो रेस्टिंग फेस में ओपन होता है ना ये सब। एक तो ये है कि कुछ के लिए परमेबिलिटी होती है और किसी के लिए परमेबिलिटी नहीं होती है, जैसे कुछ आएगा तो किसी के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, किसी के लिए कम हो जाएगी। क्लियर है क्या? अब ये जो रेस्टिंग कंडीशन है मेंटेन कैसे होती है, अरे रेस्टिंग कंडीशन मेंटेन कैसे होगी, तो उसके लिए कुछ कंटिन्यूसली होना पड़ेगा ना, बाहर पॉजिटिव कंटिन्यूसली कैसे रहेगा, तो इसके लिए तीन सोडियम जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, मतलब एनर्जी का यूज करते हुए वो तीन सोडियम को बाहर भेजेगा और दो सोडियम को अंदर लेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, और जो ये लास्ट में ये क्या है, आयन चैनल्स है जो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यार, डिफ्यूजन यहाँ पे चैनल लिखा होगा ना, चैनल्स, सोडियम पोटेशियम चैनल्स, कोई दिक्कत, जिनकी वजह से सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम बाहर जाएगा और पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? तो हम लोगों ने इस रेस्टिंग कंडीशन में क्या क्या पढ़ा कि द पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन सी द चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्या है, चार्ज है,
विच एग्जिस्ट across the cell surface. Membrane of nerve cell. उसको हम लोगों ने क्या बोला था? एक्सोलेमा बोला था क्या? हाँ सर. तो negative will be inside. अंदर क्या था? Negative अंदर था क्या? और ये हम लोग रिस्पेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं. नेगेटिव इनसाइड द सेल विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. यस और नो? ऐसे कंडीशन में द मेम्ब्रेन इज सेट टू बी polarized. Yes or no? सर आपने उधर क्या लिखा है कि पोटेशियम बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है. लास्ट वाला क्या? हाँ. तो वो कैसे होगा रेस्टिंग फेज में? वो तो स्टिमुलस आने के बाद ही पोलारिटी में ऐसे चेंज आता है. अच्छा वो लास्ट का है रीपोलराइजेशन. मतलब सारा इसी चैनल्स में होगा ना कि कैसे कैसे कुछ मूवमेंट कैसे होगी? अगर 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 क्या है, बाहर आपका पोटेशियम कंसेंट्रेशन, बाहर अगर पोटेशियम, अरे देख बाहर में पोटेशियम का कंसेंट्रेशन लो होगा हाई होगा? बाहर पोटेशियम लो होना चाहिए. लो होगा तो इसलिए ये बाहर से अंदर जाएगा. इसलिए जो हम लोग इससे पहले वाला डायग्राम पढ़ा था वो क्या था? पोटेशियम अंदर आ रहा है सेल के, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या है? पोटेशियम बाहर जा रहे सेल से. बाहर जा रहा है क्यों? कि अंदर ज्यादा है और बाहर कम है. और सोडियम अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि बाहर ज्यादा है और अंदर कम है. हाँ कि ना? लेकिन वो आपने रीपोलराइजेशन का स्टेट बताया क्या? ये मैंने पूरा कंबाइंड बताया आपको. तो इन रेस्टिंग फेज ये वाला क्या होती है, ये जो आपका वोल्टेज गेटर चैनल ये तो क्लोज होती है, इसका फिलहाल यहाँ कोई मतलब नहीं है. और ये वाला है ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. हाँ कि ना? लेकिन ये एक तरफ जो आपका पोटेशियम पंप है, अब इसे ये मेंटेन कैसे करेगा? एक तरफ डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है. लेकिन नेट में क्या होगा? अंदर नेगेटिव रहेगा और बाहर पॉजिटिव. मतलब नेट तो मूवमेंट होती रहेगी, लेकिन नेट की हम लोग बात करें, अगर रेस्पेक्टिव की बात करें तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगी अंदर नेगेटिव हो जाएगी. वो आपने लास्ट ऐसा दिखाया क्योंकि कि रेस्टिंग फेज में तो खाली पोटेशियम अंदर जाता है ना, तो वो नहीं समझा. तो वो रीपोलराइजेशन भी सेम ही चीज होती है ना, लेकिन वो इंपल्स आने के बाद आएगा. हाँ सर. मतलब मैंने ये आपको यहाँ पर ये बताया कि किस तरीके से कौन कौन से चैनल्स यहाँ पर काम करते हैं. ये वाला जो लास्ट वाला आपके पास ये डिफ्यूजन के थ्रू काम करेगा, और ये वाला इस पंप मतलब एनर्जी को यूज करके बनाएगा. ठीक है. अब नहीं समझा क्या? हाँ सर समझ. और ये वाला क्या है? प्रोटीन चैनल्स है. क्या है? प्रोटीन चैनल्स है जो कि क्या करता है, पेसिव मूवमेंट अलाउ करता है. वो भी किसके लिए? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए. मतलब जिधर ज्यादा होगा, जिधर लो होगा, तो ज्यादा टू लो की तरफ जाएगा. तो ये आपका वो प्रोटीन वाला चैनल्स है. ये अलग अलग चैनल होते हैं ना, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, बीच में क्या है वोल्टेज गेटेड चैनल जो कि वोल्टेज के थ्रू रेगुलेट होता है. हाँ कि ना? और इधर वाला क्या है? प्रोटीन चैनल्स है जो कि ग्रेडियंट के थ्रू रेगुलेट होती है. अब भी नहीं समझा? समझा. मजबूरी में सर वो आपने अभी तक क्या बना है मेरे को नहीं समझा, लेकिन इतना समझा कि वो मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव करने के लिए. देखो आपके जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें अलग अलग चैनल्स होती है. मतलब पहला वाला आपके पास क्या है, जो एनर्जी यूज करेगा, मतलब जो पंप उसको बोल रहे हैं हम लोग. दूसरा वाला क्या है? वोल्टेज गेटेड चैनल, ये भी एक चैनल है जो कि वोल्टेज के थ्रू रेगुलेट होंगे. दूसरा वाला क्या है? प्रोटीन चैनल, जो कि क्या करेगा, जो कि विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए काम करेगा. लेकिन जो नेट होगी ना, जो हम लोग नेट की बात करेंगे, तो अंदर भले सोडियम आ रहा है, लेकिन लेकिन
जो अंदर जो नेट की बात करेंगे, बाहर पॉजिटिव रहेगा अंदर नेगेटिव रहेगा, जितना बाहर पॉजिटिव जाएगा उससे कम अंदर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, जिनकी वजह से अंदर नेगेटिव होती है और बाहर पॉजिटिव होती है। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें सोडियम और पोटेशियम को, तो जनरली क्या होता है ये, मतलब कि सोडियम अंदर के लिए होती है, पोटेशियम बाहर के लिए होती है, इसलिए अंदर ज्यादा होती है बाहर कम होती है। पोटेशियम बाहर के, सोडियम बाहर के लिए होती है इसलिए वो बाहर ज्यादा होती है अंदर कम होती है, इसलिए डिफ्यूजन के लिए अंदर आएगा अगर आएगा तो। जैसे इम्पल्स आएगी तो सोडियम का परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और 3 सोडियम अंदर आएगा, 2 पोटेशियम बाहर जाएगा। आगे तो वो ना? तो नॉर्मल स्टेट हो गया ना, जिसमें 3 सोडियम बाहर जाता है 2 पोटेशियम अंदर आता है, वो तो रेस्टिंग फेज हो गया। मैंने बोला जब इम्पल्स आएगा ना, ये तो है उसको मेंटेन करने के लिए, ये जो आपका हाँ। जो आप देख रहे हो 2 पोटेशियम अंदर और 3 सोडियम बाहर, ये तो उसको इसके मेम्ब्रेन के पोलरिटी को मेंटेन करने के लिए होती है। जब इम्पल्स आएगा तो इसके लिए क्या, सोडियम की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और हाँ, पोटेशियम की घट जाएगी हाँ। जिनकी वजह से क्या होगा, सोडियम अंदर बढ़ जाएगा और जो पोलरिटी वो रिवर्स हो जाएगी। आपको जब अभी कुछ देर पहले जो आपको समझाया था पीपीटी में और डायग्राम में, वो समझ में आया था क्या सर? वो क्लियर है, लेकिन आपने वो लास्ट में वो जो बताया ना कि पोटेशियम बाहर जा रहा है सोडियम अंदर जा रहा है, उसमें कंफ्यूजन हुआ। अलग अलग आपके पास चैनल, मतलब कि चैनल्स होंगे। हाँ सर, तो अलग अलग चैनल्स अलग अलग वे से काम करें ना, वो समझा आपको। अलग अलग चैनल्स अलग अलग वेज के थ्रू रेगुलेट होगा, कुछ वोल्टेज के थ्रू, वोल्टेज गेटेड चैनल है जो वोल्टेज के थ्रू रेगुलेट होगा, कुछ डिफ्यूजन के थ्रू मतलब कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट के लिए जो ग्रेडिएंट बेस पे रेगुलेट होगा, और इधर वाला क्या है, ये एनर्जी वाला रेगुलेट मतलब पंप वाला है जो एनर्जी यूज करके रेगुलेट करेगा। एक ही टाइप ऑफ चैनल्स नहीं होते ना, अलग अलग टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं, समझे क्या? पर तीनों एक ही चीज के लिए काम करें ना, कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इसके लिए। हाँ, ये पोटेशियम और सोडियम का अंदर बाहर करने के लिए काम होता है चैनल का। समझा सर। या तुम कुछ और भी जानते हो इसके अलावा? नहीं सर, मैंने तो खाली एनसीईआरटी देखा था, उसमें ये वोल्टेज गेट का नहीं था, तो उससे कंफ्यूजन हो रहा है। अगर वैसे आपके एनसीईआरटी में वोल्टेज गेट चैनल है नहीं, लेकिन अब जब थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे, क्योंकि सब थोड़ा डिटेल से पढ़ाई जाती है क्योंकि बाद में सब काम आती है ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको इसका एंट्री करवा दिया, अदरवाइज की कोई जरूरत थी नहीं। तो दूसरा वो रीपोलराइजेशन का भी रेस्टिंग फेज की तरह होता है ना, इसलिए वो लगा कि अभी 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 ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ। हाँ, तो जब उसकी बारी आएंगे तब वहाँ पे आप सवाल कर लेना, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ सर, क्लियर है। आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं क्या? यस सर। हाँ सर। सो द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है, ये आपको डेटा याद नहीं रखना है, बस ओनली फॉर इंफॉर्मेशन है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन MEM बी पे पावर n का मतलब मेम्ब्रेन ना, जानते हो क्या? एट का एट द रेट का मतलब एट रेस्ट, इसको क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट रेस्ट तो क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है क्या, बात समझ में आई क्या? और इसकी जो वैल्यू होती है ना, अबाउट इट इज -70 वोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। क्लियर है क्या? और ये हम लोग नेगेटिव पता क्यों बात करते हैं, ये बाहर और अंदर के रिस्पेक्टिव में बात करते हैं, बाहर और अंदर के रिस्पेक्टिव बात करते हैं। द हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इनसाइड द सेल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, यस और नो? आउटसाइड के कंपेयर में वो आप नेगेटिव चार्ज, वो आपका सोडियम जो चार्ज इस पे से, वो क्या है, सोडियम और पोटेशियम है, तो कंपेरेटिवली क्या है, वो अंदर नेगेटिव है, लेकिन है तो पॉजिटिव चार्ज का। हेलो, हाँ, और इसका रेंज होता है -60 to -85 मिलीवोल्ट,
और अबाउट ये ऑन एन एवरेज कितना मिलता है आपको, -70 मिलीवोल्ट मिलता है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? हेलो, समझा सर। दिस रेस्टिंग पोटेंशियल, दिस रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय अगर सारा का सारा पोटेशियम बाहर चला जाएगा अंदर क्या बचेगा, तो इसको ये कंटिन्यूसली मेंटेन होनी चाहिए ना, इसके लिए कौन होती है, इट इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, पे एटीपी का यूज होगा, मतलब वो सोडियम पोटेशियम पंप वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन जिनके बारे में तुमको डाउट था। पैसिव मतलब कि ऐसा नहीं कि सारा का सारा बाहर चला जाए, ऐसा नहीं कि सारा का सारा अंदर आ जाए, एक 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 एवरेज में एक मेंटेन रहे, ताकि ये जो पोलरिटी है बाहर पॉजिटिव की अंदर नेगेटिव की ये मेंटेन रहे। क्लियर, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको ये टॉपिक और क्लियर होते जाएगा। क्लियर, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करते हैं इसमें, कि जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अच्छा, जो जो आपका क्या है पंप है, पंप हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अगेंस्ट ग्रेडियंट यूज करते हैं, हाँ कि ना, कहाँ यूज करते हैं, अगेंस्ट ग्रेडियंट। जैसे कि आपको मालूम है बाहर सोडियम ज्यादा होता है ना, तो फिर भी सोडियम 3 बाहर जा रहा है और 2 अंदर आ रहा है, और इसको तभी हो पाएगा जब आप उसको एनर्जी के थ्रू कर पाओगे। यस और नो? यस सर। एंड देयर आर सम कैरियर प्रोटीन्स लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। कौन सा प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन, जो कि सेल के सरफेस, मतलब सेल के सरफेस मेम्ब्रेन में होते हैं। एंड दे आर ड्राइवन बाय सप्लाई एनर्जी सप्लाइड बाय एटीपी एंड दिस हेल्प इन रिमूवल ऑफ 3 सोडियम फ्रॉम द एक्सॉन विद द इनटेक ऑफ 2 पोटेशियम इनसाइड द सेल। ये बात भेजे में आप लोगों की गई या मुझे लिखना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा, लिख लो फिर। तो वो अभी के लिए गई थी ना, वरना फिर लिखेंगे तो वो परमानेंट हो जाए। हाँ तो चलो कोई नहीं, तो इसको आप इस टाइप के पॉइंट लिख ही लो। यहाँ पे मैंने पहला वाला पॉइंट तो लिख ही दिया है कि इट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट यस और नो एंड डिफ्यूजन ऑफ आयंस। इसी को कंटिन्यू करके लिख लो आप लोग ना, अगेंस्ट दियर, ठीक है क्या सर? हाँ सर। तो लेकिन ये पैसिव डिफ्यूजन का इतना नहीं है ना रोल, क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। लेकिन काम तो हम लोग आपके जो एनसीईआरटी में वो कुछ सेलेक्टेड चीज दिया हुआ है, लेकिन जो जो एग्जैक्ट में जो होती हो तो आपको मालूम होना चाहिए ना। हाँ सर, दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग। क्लियर है क्या, अगेंस्ट दियर। लेकिन ऐसा कुछ है ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ज्यादा रोल रहेगा और पैसिव का नहीं, दोनों सबका काम होता है। जहां पर ग्रेडियंट होगा तो वहां पर डिफ्यूजन आएगी, जहां पर वोल्टेज वाली आएगी तो वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल आएगी, जहां पर अगेंस्ट भेजना होगा तो पंप इस्तेमाल करेगा। हर जगह तो हर जगह कंसीडर ग्रेडियंट नहीं होगी ना, नहीं। कहीं पे मतलब किसी के अगेंस्ट भी भेजना होता है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, मतलब पंप का इस्तेमाल होगा, हाँ के ना। अगेंस्ट दियर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, बाय सोडियम पोटेशियम पंप। जीना तुम्हारा 11th कंप्लीट है क्या? और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होते हैं, एक कैरियर प्रोटीन होता है क्या ये, आगे ना? हाँ, दीज आर कैरियर प्रोटीन
दीज पम्प्स आर कैरियर प्रोटीन और बाकी सब बच्चों के ऊपर से जा रहा है ना, समझ रहा है सर, समझ रहा है। हेलो, हाँ सर, जब सबके ऊपर से जा रहा है ना, नहीं सर, नहीं सर, सबके एक जो ना समझ है वो रीति का है, क्योंकि डाउट उसी को आ रहा है, किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है। सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड ड्राइवन वाई, मतलब किसके थ्रू ये चलेगा, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी बाई एटीपी, एंड जिनकी वजह से क्या होगी, रिमूवल ऑफ थ्री सोडियम आयन फ्रॉम एक्सॉन, इज इट क्लियर, एंड अपटेक ऑफ दो या तीन, दो पोटेशियम अंदर या बाहर, अंदर, अपटेक का मतलब अंदर ही ना, या इनटेक भी ले सकते हैं, इनटेक ऑफ टू पोटेशियम, कोई दिक्कत क्या, नहीं समझ। सो ये जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, तो द एक्टिव मूवमेंट ऑफ दीज आयंस आर अपोज्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द आयंस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिटरमाइंड बाय द परमेबिलिटी ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन टू द आयंस, किस आयंस के लिए कितना परमेबल है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उस पर डिपेंड करता है, ज्यादा परमेबल होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, हाँ कि ना। तो मतलब क्या है कि एक तरफ जो हम लोगों ने पिछले वाला डायग्राम बात किया था, देख एक तरफ से क्या है, सोडियम अंदर आ रहा है और एक तरफ सोडियम बाहर जा रहा है, लेकिन दोनों किस कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में, क्या आगे ना, तो ये दोनों को मेंटेन करेगा ना, एक बाहर ले जा भी रहा है, एक तरफ से आना जाना हो रहा है, एक दूसरी तरफ से भी आना जाना हो रहा है, मतलब कि अगर बाहर ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा उसको अंदर भेज देगा, अंदर ज्यादा होगा उसको बाहर भेज देगा, तो इस तरीके से कंटिन्यूसली ये मेंटेन्ड होती रहती है, क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, आगे बढ़ूं, ये हो गया था, नेक्स्ट स्विच पे अच्छा लिखना बाकी है क्या, द लास्ट लाइन, आप लोगों को एनिमल किंगडम का नोट चाहिए क्या, उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है ना सर, दो नोट्स नहीं चाहिए, भेजो सर, हाँ पढ़ो ना पढ़ो से भेजने से मतलब, सब भेज दो आप, हम लोग देखेंगे पढ़ना है नहीं पढ़ना क्या, नहीं सर भेज दो, हाँ सर भेजिए सर प्लीज, तो उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है पर समझ में आती तो फिर एनसीईआरटी काफी है, कितने पेज होगा लूंगा, 18 लेक्चर में कंप्लीट कर लूंगा एनिमल किंगडम, रहने दो सर, ये हुई ना बात सर, आप भेज दीजिए सर, कल ही तो खत्म किया बोलूंगा एनिमल किंगडम, नेक्स्ट शुरू होने वाला एनिमल टिश्यू, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें कॉकरोच वो सब कराते हो, अभी तो कभी शुरू होगा ना, कल की क्लास में सब कराऊंगा, उसमें वो पोर्शन में है क्या, है ना, तो जब वो करवा गया तो हमें भी फिर बता देना, हम भी अटेंड कर लेंगे, लेकिन उसका 3-5 रहेगा टीटीएस में, मतलब क्या टाइम है सर, हम नहीं कर पाएंगे फिर तो, देखो बाबू ऐसा होता है ना, मैं तो हाँ
तो इतना बात आप लोगों को सबको समझ में आएगी क्या? नेक्स्ट अगर बात करें, दिस द एक्टिव मूवमेंट ऑफ द आयंस आर अपोज्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन। अच्छा पैसिव डिफ्यूजन क्यों है? क्योंकि परमेबिलिटी भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा परमेबिलिटी मेम्ब्रेन में होगी उतने ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा क्या? हेलो हाँ सर। द पोटेशियम आयन हैव मोर परमेबिलिटी देन सोडियम आयंस। ये बात समझ में आई क्या? ये सारा फैक्टर्स भी है। आज हम लोग कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो अब हम लोगों ने मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी एक पॉइंट लिखा था क्या? सो देयरफॉर पोटेशियम आयन लॉस फ्रॉम द एक्सोन इज ग्रेटर देन द सोडियम गेन। जितना सोडियम गेन होगा उससे ज्यादा क्या होगा? पोटेशियम का लॉस होगा। इसीलिए ये दो अलग अलग चैनल्स का इसमें होता है जो कि इसको पूरा का पूरा मेंटेन करती रहती है। क्लियर है क्या? इसमें अगला पॉइंट लिखिए, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं क्या, पोटेशियम आयंस हैव मोर परमेबिलिटी देन सोडियम आयन देन सोडियम आयन पदिकत देयरफॉर पोटेशियम आयन लॉस आयन। सर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका बीच बीच में। मेरा आवाज मेरा गलों के तोड़ दो तुम लोग। मैंने बोला पोटेशियम के प्लस का मतलब ना पोटेशियम आयन। हेलो इज ग्रेटर, आवाज आ रही है? देन क्लियर है पोटेशियम आयन। क्लियर है क्या? क्या दोनों के प्लस लिख दिया आपने? अरे एक तरफ कर लो ना एन ए प्लस, इसलिए बोलते हैं ना कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट कॉमन टू ऑल। खैर रितिका के पास तो है ही नहीं, खाली ढक्कन हो। हाँ जी अच्छा, अभी जो आप लोगों का कंप्लीट हुआ है वो आप लोग रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इतना डीप कंटेंट दे दिया हूँ कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप उसको रिवाइज करते रहना। एग्जाम के लिए आपको मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करना है और नोट्स को हेल्प लेना है कि जब एनसीईआरटी समझ में ना आए तो सर क्या है ये, तो उसके लिए आपको कंसल्ट योर नोट्स। क्लियर? रिवाइज करते रहना वरना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो पूरा रिवाइज करने के लिए थोड़ा टेक्निक बताओ ना क्या कहेगा वो, अलग से टाइम निकाल के बात करना। ठीक है आगे बात करो क्या? सो व्हाट विल हैपन, पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा है सोडियम से, सो सोडियम का लॉस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम का लॉस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम, सो दैट लीड्स टू नेट लॉस ऑफ पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द एक्सोन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज विद इन द एक्सोन। अरे तभी तो बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था क्या? हेलो एंड जो आपका एक्सोप्लाज्म होती है ना उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक एनायंस होती है जिनकी वजह से भी क्या होता है वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ावा देती है, मतलब अंदर और भी नेगेटिविटी होती है ड्यू टू हैविंग सम ऑर्गेनिक एनायंस। कोई दिक्कत? सो इट लीड्स टू नेट लॉस ऑफ पॉजिटिव आयंस फ्रॉम एक्सोन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इनर सरफेस। अगर एक्चुअल बात बोला जाए तो इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, अगेन नॉट इनसाइड। हेलो हाँ सर, विद इन द एक्सोन। और खास में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना कि देयर आर ऑल्सो ऑर्गेनिक एनायंस,
जिनकी वजह से भी क्या अंदर की नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विद इन एक्सोप्लाज्म। Also contribute to exoplasm negativity. Negativity. Any problem? Hello. आगे बढ़ूं क्या? यस सर। एक मिनट ब्रेक चाहिए तो लिखना है, चलो लिखो। सर आज आप सिक्स तक ही लोगे ना क्लास? अरे हाँ ना, कहो तो अभी छोड़ दो। नहीं सर पढ़ा। अगला पॉइंट लिखिए, ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये मेनली हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। तो जब एक बार पिछला स्लाइड दिखाइए ना, बस लास्ट लाइन रहेगा। लो लो लो, एक बार नहीं अब 10 बार देखो, इसलिए बोलते हैं ना एक बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीजें। हाँ, ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेनली यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, दोनों में से मेनली कौन होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? यही पूछा था मैंने आपको तभी। अब क्लियर हो गया तुम्हारा? हाँ। इसलिए वक्त पे डाउट पूछा करो, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज इज मोर आउटसाइड, वही पुरानी बात आ गई, मोर आउटसाइड, एंड नेगेटिव अंदर ज्यादा होगा बाहर ज्यादा होगा? अंदर की तरफ। अंदर की ओर, अच्छे अल्फाज बोला तुमने, ये अंदर की बात है। इसका आपका आवाज ही क्रैक हुआ सर, समझ में नहीं आ। मैंने बोला ये अंदर की बात है, किसका प्रचार है? पता नहीं सर। लक्स कोजी का प्रचार है, पहले जमाने में आता था। ठीक है, तब आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्या? अगर कंटिन्यू करो। उसमें भी सलमान खान है ना? मेरे को नहीं पता यार, जब मैं बहुत छोटा था, क्लास 3-4 में होऊंगा, तो जब पढ़ता था मैंने, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लक्स कोजी का पोस्टर था। हाँ, कोई कोई एक्टर भी था, पता नहीं कौन था, मुझे याद नहीं। अंदर की बात में नहीं सर, अंदर की बात में अमिताभ बच्चन। अरे किसी कोई भी हो, कोई अगला बात करते हैं, एक्साइटिंग स्टेज। सर एक्साइटिंग स्टेज कब होगा? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हेलो, एक्साइटिंग स्टेज कब होगा बताइए? जब इंपल्स आएगा। जब इंपल्स आएगा तब क्या होगा? जो वहां पे हम लोगों ने बात किया था ना, वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन्स दैट हेल्प इन सोडियम आयंस के इनटू द न्यूरॉन में बहुत सारा आने लगेगा, जो हम लोगों ने बात किया था ना। ये अच्छा डायग्राम में, हाँ ये वाला है ना, ये वाला बना हुआ आपका, तो यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन ये खुल जाता है, आगे ना ये ऐसे खुल जाता है। जब ये खुल जाएगा तो सोडियम अंदर आ जाएगा, आगे ना। और बात है कि जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो उस तरीके से अपना काम करेगा, इधर जो आपका चैनल से इस तरीके से काम करते रहेगा, हाँ कि ना। यहाँ पर एक क्लोज है ना, तो अगले में मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा,
तब ये सिर्फ ये खुल जाएगा, कौन सा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला पोर्शन तब सिर्फ खुल जाएगा, जिनकी वजह से क्या होगा सोडियम अंदर आ जाएगा। सो वंस द इवेंट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑकर्स मींस वंस द इंपल्स इज रीच्ड एट अ साइट व्हाट हैपन द नर्व इंपल्स और द स्पाइक जो वहां पे इनिशिएट होगी दैट वी कॉल एज एक्शन पोटेंशियल इज द अनदर नेम ऑफ नर्व इंपल्स। दिस इज जनरेटेड बाय द चेंज इन द सोडियम आयन चैनल वेयर कुछ पोटेशियम आयन चैनल भी वहां पर काम करने शुरू करते हैं। सो इसी जो कंबाइंड चैनल है सोडियम पोटेशियम का, इसको क्या बोलते हैं, विच आर रेगुलेटेड बाय सम वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। यस और नो? एंड दे कैन बी ओपन और क्लोज विद अ चेंज इन द वोल्टेज। इन द रेस्टिंग स्टेट दे आर क्लोज ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयंस। यस और नो? एज द पोटेंशियल इज जनरेटेड that caused sudden opening of the sodium gate and the opening of this gate increases the permeability of the axon membrane, jinki wajah se sodium andar aane lagega. Yaad hai kya jo hum logon ne abhi kuch der pehle diagram mein dekha tha ppt mein kis tarike se wo sodium jise impulse us site a pe aaya to sodium ka jo direction tha dono andar ki side tha, are tha ki nahi tha? Then what will happen to the axon membrane to the sodium ions which they enter by diffusion, this increase the number of positive ions inside the axon, jinki wajah se polarity badal jayegi aur isi process ko kya bolte hain depolarized state aur is process ko kya bolte hain depolarization. Clear? yes sir koi dikkat hai kya? आगे बढ़ूं? अगला बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसका डीपोलराइजेशन के बारे में। अच्छा, जैसे आपका ये वाला डायग्राम में देखा ना, जैसे यहां पर ये वाला चैनल खुला, अच्छा इसमें मैंने कुछ गोले लगाना भूल गया था, आप लोग गोले ऐड कर लीजिए। मैं भी खाली क्यों है, जैसे आप सोडियम जैसे इंपल्स आया तो सोडियम को अंदर आने के लिए खुल जाएगा ना। अब जब ये काम हो जाएगा इंपल्स आगे ट्रेवल कर जाएगा, अब ये वाला चैनल खुलेगा, तो कौन सा खुलेगा, ये वाला चैनल खुलेगा और ये ओपन होकर के सोडियम बाहर चला जाएगा, मतलब सोडियम नहीं पोटेशियम बाहर जाएगा। अरे तभी तो बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, कोई दिक्कत है? नहीं। बात बाकी ये काम करते रहेगा और ये भी काम करते रहेगा। अब भी समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो। समझा। सब लोग समझदार हो ना, जब समझदारी बढ़ रही थी ना सबसे ज्यादा आप लोग आगे आप ही लोग थे कि नहीं थे? नहीं सर, आपने समझाया सर, इसीलिए समझा और कुछ नहीं। हमने कहाँ समझाया? और ये जो पैराग्राफ है ना 21.3.1, ये पैराग्राफ को ना पूरा पेज जहाँ तक कंप्लीट होता है इस टॉपिक को ऐसे लर्न करना जैसे कि आपको लाइन में लाइन याद होना चाहिए। मजाक नहीं कह रहा मैं, सीरियसली बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, क्योंकि जब आप पढ़ने लोगे ना आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन आप जितनी बार पढ़ोगे ना आपको उतनी समझ आपके अंदर की और उतनी बढ़ेगी और उससे और उतना से ज्यादा आपको समझ में आएगा। आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कभी भी डाउट होने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है, फिर मैं बहुत सारे बुक्स का हेल्प लेता हूँ तब जाके मेरा वो कंसेप्ट क्लियर होता है, वो थोड़ा सा मतलब उलझा हुआ सा चीज़ है। क्लियर है क्या? तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या, जैसे इम्पल्स आएगा व्हेन, टाइम भी तो हो गया क्या, व्हेन इम्पल्स arrives at site A, site A का नाम याद रहेगा क्या आप लोगों को?
तब क्या होगा यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा, तब क्या होगा रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑकर्स। क्लियर? नर्व इंपल्स जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात, क्या नाम है उसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसको मैं बहुत जल्दी निपटाऊंगा। ठीक है, सर पीपीटी से करने वाले हो? अरे तुमको मैं कंटेंट दूंगा बेटा, तुम चिंता मत करो, लिखाऊंगा। सर बोर्ड पे आ जाओ ना, वो बहुत बेस्ट होता है सर। बोर्ड में आऊंगा जब इसका, इसे नीट वाले को निपटाने दो, फिर सब अच्छे से वापस आता हूँ फिर, समझे क्या? सर संडे को उसका वन शॉट ले लो ना। किसका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो वो टेस्ट में नहीं आएगा ना, वाइन कहाँ से आएगा? अच्छा हाँ, मतलब जमी भी लोगे। और ये लड़का आयन से खामा का परेशान होता रहता है, दिमाग खाता रहता है, सर ये आएगा जो है उसको पढ़ो ना बेटा, जो पढ़ाए तो कहाँ से आएगा, खामा खा लगा परेशान होता है, टेंशन लेता है। वंस द डिपोलराइजेशन ऑकर्स, अरे जो नहीं पढ़ा तो कहाँ से आएगा, दे दूं सब कुछ, फिजिक्स का 12th का 11th का मिला कर? नहीं नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। व्हेन द डिपोलराइजेशन ऑकर्स द नर्व इंपल्स और द स्पाइक इज इनिशिएटेड। स्पाइक का मतलब जानते हो ना, मतलब एक तरह का एक एक्साइटेशन, दैट इज द स्पाइक, यस और नो? तब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल, बोलते हैं ना एक्शन जैक्शन, वही वाला एक्शन पोटेंशियल। और इसको क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स भी बोलते हैं। स्पाइक नहीं समझे? अरे जैसे नर्व इंपल्स आएगा ना, जैसे नर्व इंपल्स आएगा तो आने से क्या होता है, एक एक्साइटेशन आती है कि नहीं आती है, उसी एक्साइटेशन को क्या बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं, एक तरह का स्पार्क टाइप का, समझा क्या? हाँ सर समझे। आगे बढ़ूं, और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा, याद है क्या, जैसे सोडियम अंदर जब वहां पे उस साइट ए पे स्ट्राइक किया था तब कुछ चेंजेस आया था क्या चैनल्स पे? हाँ। हाँ। तो पीछे वाला फेड हो गया। अरे अंडी लोग जल्दी लिखो ना तुम लोग, पता नहीं मैं अंडी की, हो गया हो गया, मैं अंडी क्यों बोलता हूं? आलम सर बोलते हैं इसीलिए। अरे नहीं मैं सीखा हूं तुम्हें लोगों से बोल सुन सुन के। सर हम क्यों बोलेंगे, मतलब तो तुम किसे अंडी बोलोगे, मैं सुनूंगा तुम लोगों को बोल बोल के सुनाऊंगा इसलिए बोलता हूं तुम लोगों को। दो दिन का बच्चा नहीं आंटी बोले सर, लास्ट लाइन में लिखी थी, लो बढ़िया से लिख लो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है।